हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी, और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो मतलब सिचेन, लानसेन और साओसिनचेन है, मतलब ये तीनों ब्रदर ना अपने हाउस आए हुए थे, क्योंकि वो ना मतलब मिस्टर एंड मिसेस फेंगम्या के साथ रह रहे थे। तो वो ना अपने घर आए थे क्योंकि उनको अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी, तो आए थे। तो अपने घर जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं और सब जगह मतलब देखते हैं, उनकी यादें सब थी, मतलब तस्वीरें सब थी, उनका रूम, उनके मम्मी पापा का रूम सब देखते हैं वहाँ पर। और ये तीनों ब्रदर ना वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे। तो वहाँ पर ना मतलब एक ऐसे पार्सल आता है, तो वो लोग खोल कर देखते हैं, तो वहाँ पर ना एक पेन ड्राइव थी। तो पेन ड्राइव में क्या है कर पर वो लोग ना मतलब लैपटॉप लाते हैं और पेन ड्राइव को लगा कर वहाँ पर देखते हैं। वहाँ पर एक वीडियो क्लिप थी, तो वो देखते हैं कि उनके मम्मी पापा का ना एक्सीडेंट वाला वीडियो था। और वहाँ पर ना एक शॉकिंग बात पता लगी थी कि वहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसके मम्मी पापा को ना इनके मम्मी पापा को निकाल दिया गया था वहाँ पर, मतलब कार से निकाल दिया गया था और मतलब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। और वहाँ पर जिनकी बॉडी मिली थी उनके मम्मी पापा की बॉडी नहीं थी, किसकी थी पता नहीं, लेकिन उसके मम्मी पापा तो ज़िंदा थे, मतलब इन तीनों के मम्मी पापा ज़िंदा थे। तो दिखाया जाता है कि एक रूम में मतलब मिस्टर एंड मिसेस लैन को ना कैद कर कर रखा गया था। और वहाँ पर ना मतलब एक इंसान ने मतलब जो अपना फेस कवर कर रखा था, कौन था पता नहीं, कोई तो था जो अपना फेस कवर कर रखा था, और वो कह रहा था कि तुम लोगों को मेरा मतलब काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को मार डालूँगा, और तुम किसी को बताने का ट्राई भी मत करना, ना पुलिस को, ना मतलब अपने सास ससुर, होने वाले सास ससुर को, ना अपने हस्बैंड को, मतलब तुम्हारे जो माफिया हस्बैंड हैं उनको बताने का ट्राई बिल्कुल मत करना, ऐसा धमकी था वहाँ पर। और वो लोग ना मतलब वो जो इंसान था वो सच में मार सकता था उनके मॉम डैड को। तो ये लोग घबरा गए थे क्योंकि उस इंसान ने ना चाकू पकड़ रखा था, और मतलब उसके फादर के गले पर, लानसेन के फादर के गले पर रख रखा था, और ये सब बोल रहा था कि तुम लोगों ने एक गलती की, तुम्हारे मॉम डैड की जान गई, ऐसा बोल रहा था वो इंसान। तो ये लोग ना मतलब शॉक्ड हुए थे, पहले ये जान कर कि उसके मम्मी पापा मतलब उनके मम्मी पापा ज़िंदा हैं, और दूसरा मतलब किसने किडनैप किया है और इनको ब्लैकमेल कर रहा है। और ब्लैकमेल क्या, उसको क्या काम करवाना था हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता, कि तीनों ब्रदर को ही पता है कि उस वीडियो में क्या था आगे, कि क्या करना पड़ेगा इन तीनों को, तो हमें नहीं बताया जाता है यहाँ पर। ये सब उनको पता लग गया था। उसके बाद ना ये तीनों वापस से मतलब जियांग फेंगमिया के घर मतलब वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर ना ये तीनों और जियांग फेंगमिया और मैडम यू रहते थे, और इनके जो तीनों बेटे थे ना वो लोग ना एक अलग जगह रहते थे, दूसरी जगह पर एक घर में रहते थे तीनों भाई, मतलब एक साथ रहते थे तीनों ब्रदर। और हमारे जो फेंगमिया हैं वो ना जब ये तीनों वापस आ जाते हैं अपने घर से, तो वो कहते हैं कि तुम लोग ठीक तो हो ना, तो ये लोग कहते हैं कि हाँ हाँ फादर, हम ठीक हैं, क्योंकि ये लोग बचपन से जानते हैं उनको, अब उनके मॉम डैड के फ्रेंड थे, तो इसलिए मॉम डैड भी बुलाते थे। और अब तो सास ससुर हो गए हैं, मतलब शादी होने वाली है, तो मॉम डैड तो बुलाना बनता है, तो बुलाते थे। तो फेंगमिया और मैडम यू कहती हैं, मतलब मैडम यू कहती हैं कि तुम लोग मतलब शादी कर लो। तो ये तीनों ना मतलब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर ना वो कहते हैं कि आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, बोलते हैं। तो ये लोग ना
कहते कि तो ठीक है तुम लोग ना, मतलब शादी के बाद तुम लोग अपने हस्बैंड के साथ उनके ही घर पर रहोगे। हाँ पता है कि तुम दोनों अल्फा हो, तुम्हारे साथ ही तुम्हारे ओमेगा जानी चाहिए, लेकिन तुम्हारे ओमेगा जो हैं वो क्या काम करते हैं तुम्हें तो पता है। उनको मतलब दूसरी जगह शिफ्ट करना खतरे से खाली नहीं है, और तुम लोग वहीं पर ही रहोगे, ऐसा सब बोलते हैं। तो ये लोग एग्री कर जाते हैं कि हाँ ठीक है भाई, हमारे हस्बैंड के साथ रह लेंगे, उसमें क्या है। तो उसके बाद ना इनकी शादी का प्रिपरेशन होता है, फिर शादी का दिन दिखाया जाता है, शादी हो रही थी वहाँ पर, मतलब हमारे सी चैन, जियांग चैन का और विंग लैंग चैन का और सुयंग और साउ सिन चैन का, ये तीनों का मैरिज होता है वहाँ पर। शादी कंप्लीट होती है, वहाँ पर पार्टी चल रही थी और ये तीनों ना अपने घर के लिए रवाना हो चुके थे। तो ये लोग ना अपने घर जाते हैं, उसके बाद ना ये लोग जो हैं अपने अपने मतलब हमारे जो जियांगचन है वो अपने अल्फा को अपने साथ ले जाता है अपने रूम में, और हमारा विंग लैंसन को अपने साथ ले जाता है, और हमारी जो मतलब जो साउथ सिंचन है और सुयंग है वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद रूम का सीन दिखाया जाता है। रूम में क्या होता है कि वहाँ पर ना हमारा जो साउथ सिंचन है वो आ जाता है, तो सुयंग कहता है कि मैं मतलब नहा कर आता हूँ, मुझे फ्रेश होना है बोलता है, और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से चला जाता है तो हमारा जो साउथ सिंचन था वो था मतलब थोड़ा, वो जो होता है ना वीडियो गेम से ज़्यादा ही किसी को लगाव होता है, वो ऐसा वाला पर्सन था। तो वहाँ पर ना एक मतलब मोबाइल रखा हुआ था, तो मतलब उसका भी मोबाइल था लेकिन उसके मोबाइल पर ना मतलब चार्ज ही नहीं था, और मतलब उसका मोबाइल डेड था। तो वो अपने मोबाइल को ना चार्जिंग पर लगाता है, उसके बाद ना वो मोबाइल मतलब उसको मिल जाता है, तो वो गेम खेलने लगता है वहाँ पर, तो एक ना मतलब वेबसाइट ओपन हो जाती है अपने आप ही, मतलब उसने कुछ नहीं किया था, अपने आप ही ओपन हो जाती है। तो वहाँ पर ना मतलब अडल्ट सीन चल रहा था, और वो ना मतलब अल्फा और ओमेगा थे, दोनों मेल ही थे और वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे, ऐसा वाला मूवी था वो, मतलब एडल्ट मूवी थी वो। तो हमारा जो साउथ इंडियन है वो ये देखकर तो सॉक्टी हो गया था, बेचारे का एज 15 साल है, तो वो देखकर सॉक्टी होएगा ना, तो वो सॉक्ट हो गया था कि ये सब क्या है कर कर। हमारा जो साउथ सिंचन है मतलब ये सब देखकर, एडल्ट मूवी देखकर वो सॉफ्ट ही हो गया था, और मतलब वो देखकर एकदम ही सॉफ्ट हो गया था बेचारा। हमारा जो साउथ सिंचन है वो ना तुरंत ही मोबाइल को बंद कर देता है, और ना वो जहाँ पर था वहाँ पर रख देता है, और वो ना सॉफ्ट में बैठा हुआ था कि मैंने क्या देख लिया भाई साहब, क्या देखा, वो सॉफ्ट में था। उसके बाद ना उसने वो सब देखा था तो उसे अजीब ही फील हो रहा था, मतलब अजीब लग रहा था, उसकी बॉडी में अजीब फील हो रहा था। और वो ना मतलब देखता है कि वहाँ पर ना जहाँ पर वो बैठा हुआ था वहाँ पर एक पास के टेबल में ना मतलब ड्रिंक रखा हुआ था इन दोनों के लिए, तो वो ना वो ड्रिंक को ना पी लेता है, क्योंकि उसको प्यास लग रही थी, उसको अजीब लग रहा था तो वो पी लेता है। तो हमारा जो सुयंग है ना वो बाहर आता है बाथरूम से और कहता है कि तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, जाकर बोलता है। तो हमारा जो साउथ सिंचन है ना उसकी तरफ देखता भी नहीं है और अपने कपड़े लेता है और बाथरूम में भाग जाता है। तो वो ना जाता है और नहाता है, और उसको तो पूरा भाई साहब अजीब ही लग रहा था, मतलब उसने वो वीडियो देख लिया था तो उसे अजीब ही लग रहा था। उसके बाद ना वो खुद को मतलब शांत करता है, रिलैक्स करता है, और वो कहता है कि कुछ नहीं है, ऐसा नॉर्मल होता है, मतलब कपल के बीच में होता है करके खुद को संभाल रहा था। और वो आता है बाथरूम से मतलब नहा कर आता है, और
देखता है कि सुयंग सो गया है, तो हमारा जो साउथ इंडियन है उसके पास ही जाकर लेट जाता है और वो सोने का ट्राई कर रहा था, उसको नींद आ नहीं रही थी। और मतलब कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है हमारे जो सुयंग है ना उसको कुछ फील हो रहा था, मतलब कुछ फील हो रहा था। तो हमारा जो सुयंग है ना वो ना अपनी आंखें खोलता है, तो वो क्या देखता है, हमारा जो साउथ इंडियन है ना मतलब पूरा मतलब आधा निकट था, आधा निकट था और उसके पसीने छूट रहे थे। और मतलब वो ना मतलब बहुत हॉट लग रहा था, तो ऐसा सीन था। और वो ना मतलब सुयंग के पैंट के अंदर ना हाथ घुसा दिया था अपना, और उसके प्राइवेट पार्ट को ना मतलब हाथ से ना मतलब वो ना टच कर रहा था। तो ये ना हमारे सुयंग को फील हुआ था, तो उसने अपनी आंखें खोली थी। तो वो जब देखता है कि साउथ इंडियन क्या कर रहा है और उसका हाथ कहाँ पर है, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि साउथ इंडियन क्या कर रहे हो। तो साउथ इंडियन ना उसकी तरफ देखता है, मतलब उसका हाल बहुत बुरा था भाई साहब। क्यों था बताऊँ, उसने ड्रिंक किया था, आपको तो याद ही होगा, मतलब उसने एक ड्रिंक पिया था, इसी वजह से ऐसा हाल हुआ था उसका। और हमारा सुयंग जो था उसने नहीं पिया था। तो हमारा जो साउथ सिंचन है ना वो ना मतलब सुयंग को ना मतलब वो टच कर रहा था, और उसके बाद ना वो ना वो कहता है कि मेरी हेल्प करो प्लीज़, मुझे मतलब बहुत अजीब फील हो रहा है, प्लीज़ हेल्प कर दो बोल रहा था। हमारा जो सुयंग था ना उसको तो अजीब फील ही हो रहा था, क्योंकि हमारा जो साउथ सिंचन है ना मतलब उसके सुयंग के प्राइवेट पार्ट पर रब कर रहा था अपने हाथों से, तो उसे अजीब ही फील हो रहा था। और वो जैसे साउथ सिंचन की हालत थी ना, वो देख कर ना हमारे सुयंग को ना मतलब उसका जो प्राइवेट पार्ट है ना वो हार्ड होने लग गया था। तो हमारा जो सुयंग है ना वो साउथ सिंचन को देखे जा रहा था, क्योंकि साउथ सिंचन आधा नेकेड था, मतलब उसका चेस्ट दिख रहा था, मतलब उसका हालत दिख रहा था, उसके मतलब उसे पसीना आ रहा था, और मतलब उसकी सूरत रोनी जैसी हो गई थी। और ऐसा सब वो देख रहा था कि उसे हेल्प की ज़रूरत है साउथ सिंचन को। तो सुयंग जो है वो कहता है कि ठीक है शांत हो जाओ बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो सुयंग है ना वो साउथ सिंचन को किस करने लगता है, उसके बाद ना उसकी पूरी बॉडी पर ही किस देने लगता है, उसके चेस्ट पर दिक सक बाइट करने लगता है। और हमारा जो साउथ सिंचन था ना वो ना हमारे सुयंग के प्राइवेट पार्ट को रब किए ही जा रहा था। उसके बाद ना हमारा जो सुयंग है ना वो रिलीज कर देता है। उसके बाद ना हमारा जो सुयंग है ना वो साउथ सिंचन को लेटा देता है, उसके ऊपर आ जाता है। और उसके बाद ना हमारा जो सुयंग है पहले तो साउथ सिंचन को प्रिपेयर करता है, और अब उनकी वेडिंग नाइट थी तो सब चीज़ें वहाँ पर रखा हुआ था, मतलब ल्यूब ये सब सब चीज़ें रखी हुई थी। तो वो मतलब प्रिपेयर करता है साउथ सिंचन को और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और ये दोनों तो इंटीमेट हो रहे थे, उसके बाद ना इंटीमेट होते हैं, और हमारा जो साउथ सिंचन था उसकी मॉर्निंग भाई साहब, और हमारा जो सुयंग है वो जितना मतलब एग्रेसिवली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था बताया नहीं जा सकता। वो ना मतलब एक दूसरे के साथ मतलब बहुत रफली इंटीमेट होते हैं। और हम कल सुनेंगे कि हमारे बाकी जो दो कपल हैं उनके बीच में वेडिंग नाइट कैसे जाएगी। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, और हाँ मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ा देना। हाँ, और आप लोग अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो मैं ना एक डिस्कॉर्ड ऐप है उसका लिंक दे दूँगी मतलब इस वीडियो में, तो उस लिंक से आप लोग ज्वाइन कर लेना ऐप को और मेरे साथ चैट या बात कर सकते हो।
और आप ज़रूरी कमेंट में बताना हाँ आपको ये सब कैसा लगा, और आपको मतलब हमारे साउथ सिंचन और सुयंग का रोमांस पसंद आया कि नहीं कमेंट में बता देना।